हाँ जी, सारों सत श्रीकाल जी। सर्दियां का सीजन शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे पशु पालक पूछते हैं भी डेयरी फार्मिंग नूं हुण सर्दियां दे विच लाहेवंद किदां बनाईए। चार पंज काम दीआं गल्लां मैं तुहानूं दस्सूंगा जी, किवें हो सकदा है, की करना चाहिए, की नहीं करना चाहिए। पहली गल सब तो जरूरी है, देखो खुराक। खुराक जिहड़ी हैगी, 70-75% खर्चा हुंदा है, इहनूं ठीक कीते बिना फार्म नूं लाहेवंद नहीं बनाया जा सकदा। अजकल फार्मां ते अक्सर असीं देखिया मौसम वधिया होण करके दुध वधना शुरू हो जांदा है, पर बहुत वारी असीं जिहड़ी खुराक है उह दुध दे मुताबक बदलदे नहीं हैगे। हुण जिहड़ा मौसम चल रिहा है, हर 15-20 दिन पिछों तुसीं पशुआं दे ग्रुप जरूर बदलो। मतलब जिहड़े पशु दा दुद्ध वध गया उहनूं हाई यील्ड वाले ग्रुप च बदलो, जिहड़ा घट गया उहनूं दूजे ग्रुप च बदलो। 15-20 दिन पिछों ग्रुप बदलने बहुत ज्यादा जरूरी है। दूजे नंबर ते ओह ग्रुपां दी उहदे मुताबक फीड बनवाओ। कोई भी तुहाडा खुराकी माहर जिहड़ा हैगा उह तों फीड बनवाओ हिसाब नाल, और फीड सप्लीमेंट जिहड़े हैगे दूजे नंबर ते। पहला फीड हो गया, फिर फीड सप्लीमेंट्स हो गए। फीड सप्लीमेंट जिवें मैं हर बार दसदा हुंदा, नायासिन हो गया, बफर हो गया, बफर्ड बनीगर हो गया, तो कोलिन कोलराइड हो गया, टीएमबी हो गया। इन्हां दी वरतों सर्दियां च यकीनी बनाओ। बाईपास फैट होगी जिवें, है ना, लाइव जीस्ट हो गया, ये 6-7 सप्लीमेंट ने। इन्हां दी वरतों, सही वरतों, सही मात्रा च, सही क्वालिटी, इन्हां दी वरतों बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिहड़ा ये मौसम हुंदा है ना, अक्सर वायरल बीमारियां का घर हुंदा है। जे तुहाडे फार्म ते कोई भी वायरल बीमारी आ जाती है ना, तो वह नुकसान उदों ज्यादा करेगी जदों तुहाडे पशुओं की बीमारियों नाल लड़न की शक्ति घटी होएगी। और बीमारियां लड़न की शक्ति उदों घटी होएगी जदों जिहड़ी हैगी पशु दे विच सप्लीमेंट्स जिहड़े हैगे सी सही मात्रा च, सही क्वालिटी वाले सप्लीमेंट नहीं देवांगे। तीजे नंबर ते जिहड़ी हैगी उह गल हैगी खूनी परजीवी बीमारियां, इन्हां तों बचाव करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अजकल मैं देखता बहुत सारे फार्मां ते जिहड़ियां खूनी परजीवी बीमारियां, एनाप्लाज्मा हो गया, बवेशिया हो गया, थलेरिया हो गया, जिहड़ा हैगा ट्रिपैनोजोमियासिस, सरा दे केस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। जे तुहाडा कोई भी पशु बीमार हो रहा है, घट खा रहे है, उहदा तुरंत सीबीसी टेस्ट कराओ। जे उहदे खून दे विच कमी आ रही है तां तुरंत उहदा माहर तों इलाज करवाओ। बदलदे मौसम दे विच, खास करके ये जिहड़ा स्ट्रैस मौसम च बनना है, हुण अगे तनाव बनना है सर्दी करके, जिहड़ा पशु दे वास्ते इहदा खूनी परजीवी बीमारियां तों सही इलाज, सही परहेज करना जरूरी है। चौथे नंबर ते जिहड़ा हैगा बहुत ज्यादा जरूरी है, उल्ली रोग वाली समस्या। उल्ली रोग वाली समस्या अजकल दे मौसम च बदन दे बहुत ज्यादा चांस हुंदे है। रॉ मटीरियल जिहड़ा हैगा, खास करके मक्की होगी तुहाडी, खलां हो गईयां, DDGS जिहड़ा हो गया, जां होर जिहड़ी खास करके बड़ेवें दी खल जिहड़ी हैगी, इहदी क्वालिटी वल जरूर ध्यान दिओ। इह च बिल्कुल बेध्यानी ना करो। जे तुहाडी फीड दे विच थोड़ी बहुती भी समस्या आउंदी है, जां अचार है, अचार नूं सुका के पाओ। बहुत सारे माहरां दे इहदे बारे अड अड विचार ने, पर मैं देखिया प्रैक्टिकली करके अचार नूं धुप लवा के, खिलार के, धुप लवा के पाओ। तूड़ी भी, जे तुहाडी तूड़ी च पानी दी मात्रा ज्यादा, तां उहनूं धुप लवा के पाओ, उहदे नाल जिहड़ी हैगी फंगस की मात्रा तुरंत घट जाएगी। फीड जिहड़ी हैगी उहनूं सलाब तों बचाओ, मान लो किसे पासे पानी ना लगे। ये जिहड़ा सारे नुस्खे ने, जिवें फीड दे थले क्रेट ला दिओ, दीवार तों कंध तों जिहड़ी हैगी फीड की दूरी रखो, ये चीज़ां नाल तुहाडा उल्ली रोग तों जिहड़ा हैगा बहुत बचा रहेगा। फीड जिहड़ी हैगी उहदी टेस्टिंग कराओ। फीड दे विच 15-20 PPB तों वध जिहड़ा माइक्रोटॉक्सिन, एफलाटॉक्सिन है खास करके, उह नहीं होना चाहिए। अचार दी क्वालिटी वल बार बार जरूर ध्यान रखो, क्योंकि अचार बहुत सारे, जे माड़ी क्वालिटी दा, बहुत सारियां बीमारियां दी जड़ है। और पंजवें नंबर ते बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन। लंपी स्किन बीमारी दी वैक्सीनेशन जिन्हें नहीं करवाई वो करवा लो, और मूंह खुर दी वैक्सीनेशन ये जरूर करो। ये दो वायरल बीमारियां ने जिहड़ियां आने वाले 4-5 महीने च साडे वास्ते बहुत वड्डा खतरा बन सकदियां। कितने कितने टुट भज इन्हां दे केस देखे जाते हैं, सो इन्हां दा ध्यान रखो। ये जिहड़े नुस्खे हैगे, जिहड़े पंज गल्लां दी आपां गल कीती है, पहली गल खुराक होगी, दूजा खुराकी तत् जिहड़े सप्लीमेंट्स हो गए, तीजे नंबर ते खूनी परजीवी बीमारियां, चौथे नंबर ते उल्ली रोग, ते पंजवें नंबर ते जिहड़ी हैगी वैक्सीनेशन।
ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਫੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਮਾਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।